चोरी का खुलासा। रिपोर्ट अमीन अहमद बिजनौर। नगीना में लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बिजनौर सवॉट टीम व स्थानीय पुलिस द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिन्होंने निर्माणाधीन मकान से लाखों रुपए का सामान चुराया था। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। दरअसल नगीना निवासी कृष्ण बलदेव मोहल्ला लाल सहाय में एक मकान का निर्माण करा रहे हैं, जिसमें अज्ञात चोरों ने 7 अक्टूबर की रात्रि में घर में रखा सैनिटरी व अन्य सभी सामान को चुरा लिया था और पुलिस को चुनौती देते हुए फरार हो गए थे। एसपी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 2 चोर चांदपुर के रहने वाले हैं, जबकि एक गैर जनपद का बताया जा रहा है। चोरी किया गया 4 खल का सामान, 1.5 किलो चरस व तमंचा तथा जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि चारों चोर पेशेवर मुजरिम हैं, जो निर्माणाधीन मकानों को निशाना बनाकर सामान चुराकर बेचते थे और मोटा मुनाफा कमाते थे। फिलहाल पुलिस ने सभी सामान बरामद करते हुए 3 अपराधियों को जेल भेज दिया है। बाइक धर्मवीर सिंह, एसपी बिजनौर। 7 अक्टूबर को कृष्ण बलदेव राज का मकान, जो नगीना कस्बे के लाल सराय मोहल्ले में बन रहा था, निर्माणाधीन है, बड़ा मकान है, उन्होंने मकान से संबंधित पीतल का, लोहे का अनेक सामग्री रख रखा था। बाई चांस उस दिन उनके लेबर त्योहार की वजह से नहीं थे, उनका सारा सामान चोरी हो गया। उनके द्वारा अप्लीकेशन दिया गया, 457-380 का अभियोग पंजीकृत हुआ। स्वाट एसओजी ने और स्थानीय पुलिस ने इस केस को वर्कआउट किया। चोरी हुआ समस्त माल को बरामद कर लिया गया है। इसमें से 3 चोर हैं, 2 चोर चांदपुर के, 1 अमरोहा का रहने वाला है। इनके क्रमशः नाम है नदीम, नाजिम और नफीस। इनके कब्जे से 2 तमंचे, चाकू, पूरा माल और गाड़ी जिससे वो चोरी करके ले गए थे, वो गाड़ी बरामद हुआ है और चरस भी बरामद हुआ है। इनको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। पुलिस टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। इनकी मॉडस ऑपरेंडी, निर्माणाधीन मकान पर टारगेट करना, सामान को चोरी करना एवं पेड़ों की भी या अन्य चीज़ों को भी काट करके। सर, इससे पहले भी किसी घटना को अंजाम दिया गया इनके द्वारा? जी, इससे पहले भी किसी घटना को अंजाम दिया गया? इसके इन्होंने अन्य जगह भी चोरी किया है, कुछ लोगों ने इसको सूचना नहीं दिया। अब आ रहे हैं लोग कि हमारा भी सामान चोरी गया था। निर्माणाधीन मकान पर जहाँ पर सामान रखा रहता है उसी को एक टारगेट करते हैं ज़्यादा।